पणजे पोलिसांक भांगरचोरीच्या प्रकरणात व्हडले जैत मेळा. 24 जूनाक पणजे एका भांगराच्या दुकानात सुमार 8 लाखांची चोरी झाली. पोलिसांनी सतत सीसीटीव्ही आणि तपास करून शेवटाक मुखेल संशयित आरोपी अब्रार हुसेन बेग ह्या 30 वर्षाच्या भुरग्याक बेळगावच्यान अटक केली असा. या चोरांची टोळी कस्टमर म्हणून भांगरा दुकानार वचप आणि हे दाखय ते दाखय करून उपरांत हळूच नजर चुकवून कितें तरी फारावन वचप. अटक केल्ल्या आरोपी कडेन पोलिसांक चोरीचे येवस सापडल्या. हाज्यान पयलीं आनी एक भांगराच्या दुकानार ताणी अशी चोरी केल्ल्याचे चौकशी दरम्यान समोर आयला. ऑन 24 जून एक इंसिडेंट रिपोर्ट हुआ था पैंजुर पुलिस स्टेशन के अंदर, जिसके अंदर हमें पता चला था कि PNG जो ज्वेलरी स्टोर है उस स्टोर के अंदर से कुछ 12 लाख के करीब की ज्वेलरी चोरी, सॉरी 8 लाख के करीब की ज्वेलरी चोरी हुई है. तो ये सूचना मिलने के बाद वी हैड रजिस्टर्ड अ केस अंडर सेक्शन 380 रेड विट 34 IPC एंड स्पेशल टीम वॉज कॉन्स्टिट्यूटेड टू वर्क आउट दिस केस. दिस टीम वॉज कॉन्स्टेंटली ट्रैकिंग CCTV कैमराज. इट वॉज लुकिंग एट टेक्निकल, इट वॉज डूइंग टेक्निकल एनालिसिस एंड लॉट ऑफ वर्क वॉज डन ऑन ह्यूमन इंटेलिजेंस कि किस तरीके के गैंग्स हैं जो इसके अंदर काम करते हैं, इस तरीके के मॉडस ऑपरेंडी में. हमें कुछ इसमें CCTV फुटेज ज्वेलरी स्टोर के अंदर से भी मिली थी और इन सब पे काम करते हुए हमें एक मेजर सफलता मिली है, जिसके अंदर दी मेन एक्यूज वॉज अरेस्टेड. ही वॉज लेटर आइडेंटिफाइड एज वन अब्रार हुसैन बेग, सन ऑफ गुलाम रसूल. ही इज़ 30 ईयर्स ओल्ड. ही इज़ रेजिडेंट ऑफ बेलगांव और वहाँ से हमारी टीम ने इनको अरेस्ट किया है. इनके पास से हमें एक येलो गोल्ड एंड डायमंड नेकलेस वो बरामद हुआ है, ये रिकवरी हुआ है उसमें से. एंड वी हैव रिकवर्ड वन येलो गोल्ड एंड डायमंड नेकलेस वन मोर, ये इसके पास से हमें रिकवर किया है. इनका जो मॉडस ऑपरेंडी था वो ये था कि ये एक तरीके से कस्टमर की तरह स्टोर के अंदर आते थे और जो सेल्स पर्सन है उसको कहते थे कि ज्वेलरी दिखाए और उसके बाद थोड़ा ध्यान भटका के ये लोग अपना काम करके निकल जाते थे. इनसे इंटेरोगेशन में ये पता चला है कि 12 जनवरी को एक वेलिंगटनी ज्वेलर्स जो भी पैंजम के अंदर स्थित है उसके अंदर भी इन्होंने इसी प्रकार की घटना की थी और उसके अंदर बहुत जल्द ही हमें इसके अंदर भी रिकवरी होने की हमें उम्मीद है. और इन्होंने अपनी इंटरोगेशन के अंदर कबूला है कि इन्होंने ही वो घटना भी अंजाम में लाई थी. तो मैं इसके लिए आई कॉन्ग्रेचुलेट SDPO पैंजिम एंड PI पैंजिम एंड हिज एंटायर टीम. दे हैव वर्क टायरलेसली ऑन दिस केस एंड इट इज़ अ वेरी गुड केस इन विच 100% रिकवरी हैज़ हैपन्ड. The main accused has been arrested and we have sufficient evidences to ensure there is a proper conviction in this case. Thank you. So, जो last complaint हुआ था ना बैलन के निकाल complaint FIR register होता है. हाँ, उसके अंदर already FIR register है. FIR number 8/2024 का under section 380 red bit 34 ये registered है. अभी तक हमने एक आदमी को अरेस्ट किया है पर इसके अंदर इसके और कौन को एक्यूज है सब पे काम चल रहा है. प्राइमरी बेसिस पे कंप्लेंट वगैरह हुई थी जी? कंप्लेंट्स वगैरह हुई थी. नेचुरली कंप्लेंट मिलने के बाद ही FIR रजिस्टर की गई थी इसके ऊपर. तो जो कंप्लेंट हमें PNG के स्टाफ ने दी थी हमें तो उसके बेसिस पे FIR रजिस्टर. वैल्यू कितना है इसका? मीडियस इन्वॉल्वमेंट ये टोटल गोल्ड का वैल्यू कितना? दिस इज अराउंड 8 लाख रुपीज़. 8 लाख इसकी वैल्यू बताई जा रही है. तो थैंक यू.